आज का जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जैसा नहीं लगता है। ये कोई मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो जैसा लगता है। जानबूझ के ये प्रधानमंत्री के नाम का, राम के नाम का राजनीति कर। चूंकि इस्लामिक जिहादियों को खुश करना है, देशद्रोहियों को पनाह देनी है, अब कर्नाटक से इसका जनाजा निकलना तय है। एक तरफ राष्ट्रवादी संगठन, दूसरी तरफ देशद्रोही, शर्म नहीं आती आपको? कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और विशेष वर्ग का जो ध्रुवीकरण करने के लिए सब बातें कर रहे हैं। बीजेपी के अर्जुन का बजरंग मान। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। सही मौके पर सही मुद्दा लपककर मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक अकेला सब पर भारी क्यों है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की एंट्री हो चुकी है और मानो कर्नाटक की पूरी बाजी पलट गई। मंगलवार को कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई लोक लुभावन वादों के साथ बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कही गई। कांग्रेस ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो कांग्रेस बजरंग दल को बैन कर देगी। जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। कहा कि कांग्रेस ने पहले राम को ताले में बंद किया था, अब बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहती है। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। मोदी ने अर्जुन की तरह बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ते हुए मुद्दे को लपककर सियासी तीर चलाया। कांग्रेस ने जो सोचा ना था वो हो गया, बीजेपी को बैठे बैठे उसकी मन माफिक पिच मिल गई। पहले कर्नाटक का जो चुनाव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे स्थानीय मुद्दों पर था, मुस्लिम तुष्टिकरण और बजरंग बली पर आ चुका है। मन मुताबिक पिच पर बीजेपी अब खुलकर बैटिंग कर रही है। आप देखिए पीएम मोदी के भाषण के बाद अमित शाह के रोड शो में बीजेपी के झंडों के साथ कैसे हनुमान ध्वजा लहराई जाने लगी। देखिए कांग्रेस सालों से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले उन्होंने सालों तक भगवान श्री राम को ताले में रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज है। मुझे लगता है कर्नाटक की जनता इसका जरूर जवाब। एनआरसी लागू करने को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो घोषणाएं है बीजेपी की, उसको क्या कहेंगे? नहीं, हमारा मानना है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात सभी ने एक घोषणा की है। पीएम मोदी के भाषण के बाद जैसे माहौल बन गया, दिल्ली में बीजेपी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा, तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास तक पहुंच गई। बजरंग बली के नारे को लेके जनता में अपना काम करता है उसको भी ताला लगाने की जो कोशिश आज
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के द्वारा करने की बात रखी, ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास करती है। कांग्रेस इस देश की जो मूल चरित्र है उसमें कोई उनका उनकी कॉन्फिडेंस नहीं है। बीजेपी को हमलावर होने का मौका देने के लिए खुद कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 3 सेल्फ गोल किए। पहला, खड़गे ने पीएम मोदी को विषधर कहा, फिर खड़गे के बेटे ने मोदी को नालायक बेटा कहा, और अब मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने का वादा। संयोग देखिए, कांग्रेस ने जब बजरंग दल को बैन करने का वादा किया तो दिन भी था मंगलवार का। मंगलवार को बजरंग बलि का दिन माना जाता है, और ये वादा भी कांग्रेस ने उस कर्नाटक में कहा जहां हिंदू मान्यता के मुताबिक हनुमान जी का जन्म हुआ। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से बजरंग दल की तुलना पर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। हिंदू समाज, हिंदू जनमानस, हिंदू आस्था के केंद्रों, मंदिरों और संतों पर हमला कांग्रेस की कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लिए चूंकि इस्लामिक जिहादियों को खुश करना है, देशद्रोहियों को पनाह देनी है, इसी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के तहत जिस तरह से कर्नाटक में इसने नाटक किया है और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दिया है, यह कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अब कर्नाटक से इसका जनाजा निकलना तय है। अब सवाल ये कि कांग्रेस को बजरंग दल में पीएफआई क्यों नजर आता है? एक और पीएफआई जिसके किस्से केरल के एक प्रोफेसर का हाथ काटने से शुरू होकर आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोपों तक जाते हैं। पीएफआई पर केंद्र सरकार बैन लगा चुकी है, तो दूसरी तरफ बजरंग दल जिसकी हिंदू विचारधारा है। पीएफआई के विदेश से टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। भारत में गजवाए हिंद की साजिश में वो शामिल है। 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का सपना है। वैश्विक इस्लामिक आतंकी संगठनों से इसके रिश्ते हैं। CAA NRC के खिलाफ हिंसा फैलाने का आरोप है। PFI से जुड़े लोगों से आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। PFI के खिलाफ एजेंसीज के पास पर्याप्त सबूत है। ऐसे में कांग्रेस को बताना होगा कि बजरंग दल को लेकर उसके पास क्या कोई ऐसे सबूत हैं, और अगर सबूत नहीं तो किस बिना पर बजरंग दल पर बैन की बात कही गई।